लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इफैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इंग्लिश के वर्ड सेंटर के डिफरेंट मीनिंग क्या क्या होते हैं और वर्ड सेंटर को यूज़ करते हुए हम इंग्लिश में तीन या चार सेंटेंसेस बनाएंगे, साथ ही साथ उनकी ट्रांसलेशन करेंगे। ट्यूटोरियल गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफैक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड सेंटर का मीनिंग होता है केंद्र या फिर मरकज। जिस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ज़मीन का मरकज, ज़मीन के केंद्र, इसी तरह जो बड़े शहर होते हैं उनका जो मरकज़ी बाज़ार होता है उसे सेंट्रल मार्केट कहते हैं, या फिर सिंपली आप उसको सेंटर कहते हैं। ख़ास तौर पे यूरोप में हर बड़े सिटी या छोटी सिटी में का एक सेंटर होता है जिसमें मेन मार्केट होती है। चलिए वर्ड सेंटर को यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास पहला सेंटेंस है, लेट्स गो टू द सेंटर। चलें सेंटर चलते हैं, चलें मतलब मेन बाज़ार चलते हैं। लेट्स गो टू द सेंटर। इसी तरह हम कह सकते हैं कि नोबडी कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि भाई ज़मीन के मरकज तक, ज़मीन के सेंटर तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। नोबडी कैन रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, बेहतर है हम इस तरह लिखते हैं कि नोबडी कैन रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम इसका भी कह सकते हैं कि लेट्स सपोज सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, क्योंकि सब तमाम के तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं एक चक्कर में। तो हम कह सकते हैं कि सूरज जो है, सन जो है, वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड सेंटर का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड सेंटर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। उसमें कोई गलती होगी तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, गुड डे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आई इफैक्टनर।